जय श्री राम। बाबा से हम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। बाबा से हम विराजमान है सामने, तो मैं बाबा से अरदास हूँ, बाबा जो वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देना, उसका कोई रुका काम हो पूरा कर देना, जो ना भी सब्सक्राइब कर रहा है उसका भी कर देना यार, तो सभी के लिए एक जैसा है। आज की वीडियो में कि एक भूल कर दी और बाबा से हम नाराज हो गए यार। वो भूल हुई कैसे यार, क्या ऐसे क्या भूल कर दी उन्होंने यार जिससे बाबा से हम नाराज हो गए। तो ऐसी गलती आप मत कर देना कि आपसे भी बाबा साहब नाराज हो जाए। तो वीडियो को देखो पहले ध्यान से सुनो कि वो गलती हमारे होने वाले भाई के होने वाले क्या भाई है अपना, उस भाई से जो गलती हो गई है उसका काम बन गया, फिर बनने के बाद फिर रुक गया, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे क्या गलती कर दी। आप मत कर देना ऐसी गलती, जो मैं गलती बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, कहीं आप गलती कर दो तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करना यार। मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ और ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ जो आगे आपके काम आएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो MB श्याम रंगो, क्योंकि यार इस पर मैं वीडियो ऐसी चमत्कार की जो वीडियो होती है मैं वही लेके आऊंगा आपके लिए, और कोई वीडियो नहीं लेके आऊंगा इस पर। बस आप मेरे साथ देते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जो वीडियो आती है उसको देखा करो, आपके जो भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। क्या पता है 10 वीडियो में से एक ऐसी वीडियो आ जाए जो आपके काम आ जाए, जिसका काम कुछ पिछले 5 सालों से नहीं बन रहा था, उस भाई को 3 महीने के अंदर 20 लाख में मिल गए दिल्ली का रहने वाला। यार वो भाई मुझे बहुत अच्छा भाई मानता, कहता तेरा पैर पकड़ो भाई तू है कहाँ, मेरे को 20 लाख का लॉटरी लगी और मेरे 20 लाख का लोन मिल गया। तो मैं कहता मेरा पैर पकड़, खाटू वाले के पकड़, वो खाटू वाला है उसके खाटू में जाके पकड़, चलकुना दाम में जाके उसके पकड़, यार मैं कौन हूँ यार, तेरे घर में है तो उसके पकड़ ले यार, तेरी माँ क्या पकड़ ले, सबसे बड़ी वही है यार, माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, माँ है तो सब कुछ है यार, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। एक माँ के लिए लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, जब आप माँ से प्यार करते हो तो प्लीज यार कर दो यार, क्योंकि माँ सबसे बड़ी चीज है। चलो बात आप टॉपिक चल रहा था, उस भाई ने गलती क्या की वो अब बात करते हैं। उस भाई ने गलती ऐसे क्या कर दी, पहले बता दो कि उस भाई का काम क्या बना था। उस भाई का रिश्ता नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी उसकी, और वो इतना परेशान चल रहा था शादी से, मतलब उसकी एज भी अच्छी हो चुकी थी, 32 32 साल का हो चुका था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मेरे तरी वही परेशान था, मेरी नहीं हो रही वैसे, उसकी नहीं हो रही थी, पर मैं तो 29 का हूँ, 29 साल का, हो जाएगी शादी यार, कोई बात नहीं, टाइम बाबा अपने आप देगा कोई अच्छी सी लड़की जो मेरी मम्मी की सेवा करे, मेरी गुड़िया की सेवा करे। बात यह है कि उसके रिश्ता नहीं हो रहा था, उसने अरदास लगाई, उसकी अरदास स्वीकार हो गई, और उसकी अरदास थी कितनी, 100 रुपये की, 100 रुपये की उसने अरदास लगाई, उसकी स्वीकार हो गई, उसका रिश्ता भी हो गया, सब फाइनल हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही चल रहा था। उस भाई ने गलती क्या कर दी, उस भाई ने जब से अरदास लगाई उस टाइम ये कहा था कि हे बाबा श्याम, जब मैं आपसे अरदास लगा रहा हूँ और मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा, मांस मीट नहीं खाऊंगा, मैं हमेशा इस चीज़ से दूर हो जाऊंगा। और उस भाई ने क्या किया, जब रिश्ता तय हो गया, जब रिश्ता फाइनल हो गया, उस भाई ने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी की और ड्रिंक की और मांस मीट भी खाया, उसने उसने कबूल किया, खुद ने उसने खुद ने कबूल किया ये बात कि ये भाई मैंने गलती की है। और जो रिश्ता उसका तय हुआ था, अगले दिन जैसे पार्टी से उसको होश आता तो उसकी मम्मी ये बात सुनने को मिलती है कि बेटा वो जो रिश्ता हुआ था ना वो लड़की मना कर गई है, और वो लड़की कह रही है मैं अभी शादी नहीं करूंगी, भी टाइम लगेगा 2-3 साल, मैं बाद में करूंगी, मेरे कोर्स चल रहा है। जब वो कोर्स पहले कब कहाँ के चला गया था, जब उसने अरदास लगाई जो पूरी हो गई थी, जब उसने पार्टी की उससे पहले उसने वो कहाँ गया कोर्स, तब तो उसने हाँ कर दी थी, उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो बाद में दिक्कत कहाँ से आ गई, वो दिक्कत आ गई उसकी घमंड के कारण, उस लड़के ने भूल गया बाबा श्याम को कि उसने बाबा से कुछ कहा था। आप ऐसी गलती मत करना, या तो कहला कमिटमेंट मत करना, करो तो उसको पूरा करना, हमेशा याद रखना कि बाबा श्याम से आंखा छुपाई मत करना कभी, मेरे बाबा श्याम है, मैंने छोड़ा है, मैंने मांस मीट ड्रिंक क्या, मैंने मांस मीट तो कभी भूल चुका, मैं कदे कदे हो गया तो कभी मेरे को माफ़ करे बाबा, बट मैं ये बताता हूँ कि मैंने ड्रिंक करता था खुद, में पार्टी वेयर ड्रिंक करता था, मेरा बहुत दिल करता, मैंने जितनी पी है इतनी पी नहीं होगी, पर मैं हमेशा जब पीता था 100 की बोतल होती तो 500 खाने को होता था, मैं बढ़िया खाद पीता था, मैंने इंजॉय के लिए पीता था, बट मैंने वो भी छोड़ दिया है। कल की बात लगा लो यार, मेरे दोस्त ड्रिंक कर रहे थे तो मैं उनके पास गया जरूर था, और उन्होंने फोर्स भी किया, सभी जानते थे ये पीने वाला है, बट उनको ये नहीं पता था कि पिछले कुछ सालों से मैंने दारू छोड़ दी। अब मैं पास में भी नहीं जाता हूँ यार, मुझे नफरत होती है, मुझे मेरा बाबा चाहिए, मुझे दारू नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए, जितनी कि मैं दारू पीऊँगा उससे अच्छा तो मैं कुछ खा के आ दूँ ना, वो तो मुंह के बट निकल जाएगा यार,
तुम कुछ अच्छा खा लो ना। कभी बाबा से अनदेखा मत करना, आंख मचौली मत करना, अब इतना करोगे तो आपके नुकसान। जैसे उसको भाई को है, अब वो पछता रहे, अब दोबारा दास लाया तो बाबा सुनेगा नहीं सुनेगा पता नहीं, पर आपकी जरूर सुनेगा जब आप ऐसा काम नहीं करोगे तो। प्लीज़ जो भाई ने उसने गलती किया वो गलती आप मत करना, कभी भी भूल कर गलती मत करना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा और वीडियो मैं ऐसे लाता रहूँगा। MB श्याम रंग को कर लो सब्सक्राइब और इस पर सुनने को मिलेगी नई नई चमत्कार की कहानियाँ और साथ में बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मैंने दे दिया क्योंकि मैं आपका जो मेरे छोटे भाई है उनके लिए बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई का आशीर्वाद होता है। और मैं कोई बाबा श्याम की तरह आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ ना भाई ना, बाबा आपकी जगह मैं अपने जगह हूँ। बाबा सबका भला करता है, सबका भला करेगा और मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके और नई नई वीडियो देखता रहा करो, उसमें आपने सीखने को मिलता रहेगा। जय श्री श्याम, हरे का सारा, बाबा श्याम हारा, बाबा श्याम आप हर मनोकामना को पूरी करे, आप में कोई भी दुख हो उस दुख को सबको दूर कर दे, इतनी दूर कर दे कि दुख वापस आए ना। बाबा सुन रहे हो, भाई ने मेरा सब्सक्राइब कर दिया चैनल, बस इसकी दुख दूर कर दो यार। जिसने पहला भी कर रखा उसको भी कर दो, जिसने ना किया उसका भी कर दो। बस माँ से प्यार करना, माँ को कभी मत छोड़ना। जब माँ नहीं होती है ना तब पता चलता है माँ होती क्या। उनसे जाके पूछो जिनके माँ नहीं है, माँ से प्यार करो यार। कल छोटी सी गलती हुई मुझसे, मैं तब बना रहा हूँ वीडियो, मुझे फील हुआ था हल्की सी गलती हो गई थी, मैंने उसको सुधार लिया। हल्की सी गलती हो गई थी, बोलना कहीं था पर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मम्मी से, मुझे दुख हो रहा है। आप कभी अपनी माँ से दुख मत होना, कभी माँ को बोलना मत, माँ को कभी मत छोड़ना। माँ गिल्ला में सोती है, बेटे को सुक्का में सुलाती है। आप हमेशा माँ से प्यार करना, मैं हमेशा करता हूँ। बस कल छोटी सी गलती हो गई थी, छोटी सी पर मेरे लिए बड़ी दिख रही थी। मैं कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। बाबा से अरदास लगाता हूँ, बस मेरी माँ के साथ मेरे बनाए रखे। मैं पैदल भी गया था तो बाबा के लिए एक ही बात कही, बाबा मेरी माँ से मेरा प्यार बनाए रखिए। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ ही नहीं है यार। माँ को कभी मत छोड़ना यार, माँ को कभी मत छोड़ना। माँ द्वारा नहीं मिलेगी, बाप मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएगा, मैं मिल जाऊंगा, मेरे जैसा और भी है, मुंदल भी है, वो मिल जाएगा, पर माँ नहीं मिलेगी। माँ को कभी मत छोड़ना। माँ एक होती है, वाइफ कितनी बना लो, बाप कितने बना लो, भाई कितने, दोस्त कितने बना लो, पर माँ कभी नहीं बना सकते। जिसकी कोख में से निकले वही माँ होती है, जिसने आंचल का दूध पिलाया। बाबा श्याम को भी आंचल का दूध गौ माता ने पिलाया, तो गौ माता के लिए भी उसकी माँ है बाबा की, तो माँ के लिए उसके लिए भी लेके जाया करो। जब हम बाबा को अपना मानते हैं तो गौ माता को हम अपना क्यों नहीं मानते। अब हमेशा गौ माता को भी अपना माना करो यार, माँ को कभी मत छोड़ना। सॉरी मैं गलती मांगता हूँ आपसे कि मैंने थोड़ा सा ओवर हो गया। बाकी हमेशा साथ रहना माँ की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सभी के पास शेयर कर दो इसको। सभी को मैसेज पता चलना चाहिए कि जब छोटी सी गलती भी होती है तो कितना फील होता है अंदर यार, कितना दर्द होता है। आप अपने साथ रखना अपने माँ को, किसी बीवी के लिए अपनी माँ को मत छोड़ना कभी। जिसके लिए आप छोड़ते हो ना वो हमेशा आपको छोड़ के जाएगा। माँ की आत्मा दुखेगी तो आपकी भी आत्मा दुखेगी। माँ की आत्मा दुखा के आप कोई काम करोगे कभी पूरा नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सी जगह देखी है, जो माँ की आत्मा दुखाते हैं ना उनकी कभी काम पूरे नहीं होते हैं। आज मुझे मौका मिल रहा है मुझे पूरा बोलने है, क्योंकि नाइट है, कोई सुन तो रहा नहीं है, मेरे खुल के बोल रहा हूँ मैं। मेरे भाई है तू, लाइक करता हूँ तेरे को मैं, अपनी माँ के साथ तब वीडियो देख रहा है कोई। मेरी माँ भी वीडियो देख रही है तो माँ आपके लिए वीडियो बनाई है, आपके बेटे को जरूर दिखाना ये वीडियो। आपका बेटा क्या पता थोड़ी नोक जोक होती है तो सुधर जाएगा वो। मैं कहता हूँ सुधरेगा, बाबा श्याम से अरदास लगाऊंगा मैं, सुधरेगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा हौसला बढ़ जाएगा कि मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है। बाकी गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री श्याम।